गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अभी 12th स्टैंडर्ड के अंदर फिजिक्स के अंदर हमारा 5 चैप्टर कंप्लीट हुए। अभी आज से लेसन नंबर 6 स्टार्ट कर रहे हैं। लेसन नंबर 6 का नाम है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो स्टूडेंट्स एक बात समझ लो, ये इस पार्ट का सबसे इजी चैप्टर है, 6th चैप्टर, बराबर सबसे इजी चैप्टर ये है। इसकी थियरी भी बहुत ईजी है और इसके सम्स भी बहुत ईजी है। ये भी चैप्टर के अंदर से आपको कोई 3 मार्क का क्वेश्चन या 4 मार्क का क्वेश्चन नहीं आएगा, सिर्फ 1 मार्क और 2 मार्क के ही क्वेश्चन आएंगे। ये पोर्शन जो है वो 5th चैप्टर के ऊपर ही थोड़ा बहुत डिपेंडेंट है, बिकॉज इसके अंदर मैग्नेट का ही यूज़ होगा। लेकिन इसमें नया क्या है, अभी तक हमने देखा था कि भाई करंट प्रोड्यूस हो जाने के बाद, करंट प्रोड्यूस करके ही हम मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करते थे। लेकिन इसके अंदर क्या करना है, मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करके करंट बनाना है। दोनों में उल्टा था, पहले ऐसा था कि मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करते थे बिकॉज ऑफ करंट, लेकिन इसके अंदर क्या है, करंट प्रोड्यूस करेंगे बिकॉज ऑफ मैग्नेटिज्म, एक दूसरे से रेसिप्रोकल है। ओके, सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मीनिंग ही है कि हमें सर्किट के अंदर से करंट प्रोड्यूस करना है बिकॉज ऑफ मैग्नेट। किसके कारण, मैग्नेट के कारण मुझे करंट प्रोड्यूस करना है, बराबर। ये चैप्टर के अंदर जो सबसे बड़ी थियरी थी ना, वो इस बार कट हो गई है, वो है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। 3 लॉ थे बड़े बड़े, सॉरी एक्सपेरिमेंट है, सॉरी एक्सपेरिमेंट, वो कैंसिल हो गए। हेनरीज एक्सपेरिमेंट था, वो भी कैंसिल हो गया। तो अब हमारा 30% चैप्टर तो यही कट हो गया, बराबर। चैप्टर का स्टार्टअप करते हैं। सबसे पहला है व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मीनिंग क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोड्यूस्ड इन कंडक्टर बिकॉज ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे इलेक्ट्रिक नहीं आएगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आएगा, वो मैंने लिखवाया, बराबर। यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट ही आएगा, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट ही आएगा लेकिन यहाँ पे आएगा मैग्नेटिक फील्ड, ऊपर इलेक्ट्रिक करंट ही आएगा। समझो क्या है, इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोड्यूस इन कंडक्टर बिकॉज ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जैसे ही चेंज होगा तो उस फील्ड के अंदर क्या प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रिक करंट। क्या प्रोड्यूस होगा, बराबर, इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोड्यूस इन बिकॉज ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड जैसे ही चेंज होगा वैसे ही उस फील्ड के अंदर क्या प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रिक करंट। तो वो करंट प्रोड्यूस होने की जो प्रोसीजर है उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। समझ आ रहा है क्या, इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोड्यूस बिकॉज ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड इज नोन एज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आप बोलोगे सर ऐसा होगा कैसे, तो मैं आपको एक सिंपल समझाता हूँ कि समझ लो कि ये मैग्नेटिक फील्ड है। क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। ओके, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चेंज आता है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चेंज आता है, मतलब कि बी के अंदर चेंज आएगा। सो जैसे ही बी के अंदर चेंज आता है तो उसके अंदर फ्लक्स प्रोड्यूस होता है। क्या प्रोड्यूस होता है, लेकिन इसमें चेंज आया मतलब फ्लक्स में भी चेंज आया। फ्लक्स में चेंज आया तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, क्या होगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और ईएमएफ इंड्यूस होगा उसके कारण करंट प्रोड्यूस होगा। जो पहले मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी उसमें चेंज आया तो क्या होगा, फ्लक्स, फ्लक्स में चेंज आया तो क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा उसके कारण क्या प्रोड्यूस होगा, इस प्रोसीजर में करंट प्रोड्यूस होगा, बराबर है। जो इसमें चेंज न आया तो करंट प्रोड्यूस होगा, इसमें चेंज आएगा तो ही करंट प्रोड्यूस होगा। ओके, तो इसी प्रोसीजर को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए फैराडेज ने 3 एक्सपेरिमेंट दिए थे, ये तो आपको कट होगा इसलिए, बाकी आपको पूरा चैप्टर समझ में इसी में आएगा। फैराडे ने 3 तरीके से एक्सपेरिमेंट किया और हमें समझाया कि भाई ऑलरेडी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है क्या, बराबर। गवर्नमेंट वालों ने तो यूं ही कट कर दिया,
बराबर, लेकिन इसी में आपको समझना था कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन सही में है क्या, समझे। बाकी ये तो कट होगा, इसीलिए इसमें क्या था, उसने पहला एक एक्सपेरिमेंट किया सॉफ्ट आयन रिंग के लिए। एक सॉफ्ट आयन रिंग ली, उसके अंदर उसने करंट पास किया, सॉरी उसके मैग्नेट के बीच में रख दिया। जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आया बराबर, तो उसके अंदर करंट प्रोड्यूस हुआ, और उसके अंदर से करंट प्रोड्यूस हुआ। वो उसने समझाया था कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है क्या, वो मैं आपको लास्ट में चैप्टर खत्म होने के बाद एक बार समझा दूंगा। दूसरी थी बार मैग्नेट के लिए, दो बार मैग्नेट लेके भी उसने समझाया था, और तीसरा था फॉर बार मैग्नेट एंड सोल्डर। ये तीनों चीज लेके उसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन समझाया। लेकिन ये टॉपिक हमारे सिलेबस में से अभी कट हुआ इस साल के लिए, बराबर। सिर्फ आपको समझना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अभी हमारा सबसे पहला टॉपिक है मैग्नेटिक फ्लक्स, इट इज डिपेंडेंट ऑन सेम एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स जैसा ही है, सिर्फ मैग्नेट में इतना आएगा कि उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड थी, इसमें मैग्नेटिक फील्ड आएगी। उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन थी, इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन आएगी। फ्लक्स का मीनिंग क्या होगा, फ्लक्स का मीनिंग क्या होगा कि नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास्ट यूनिट एरिया। यूनिट एरिया में से जितनी फील्ड लाइन पास होगी उसको हम क्या बोलेंगे, फ्लक्स बोलेंगे। लेकिन इसमें वो ए सरफेस है उसको क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। क्या होगी, परपेंडिकुलर, बराबर है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स पता चला, उसको किससे रिलेट करेंगे, फाई से। फाई का फॉर्मूला क्या है, फाई इज इक्वल टू वेक्टर बी इन टू ए, वेक्टर जैसे निकालोगे तो क्या फॉर्मूला होगा, बी ए। दैट्स योर फर्स्ट फॉर्मूला फॉर दिस लेसन, ओके। फाई इज इक्वल टू बी इन टू ए, मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला है। एक मार्क में पूछ सकते हैं आपको, तो आपको इतना लिख के ये फिगर प्लॉट कर देने। थीटा मतलब है इन दोनों के बीच का एंगल होगा, बराबर है। तो ये फ्लक्स हो गया। अभी की बात है वो है इलेक्ट्रो फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन। फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन, फैराडे ने एक लॉ बनाया इंडक्शन के लिए, बराबर। इंडक्शन के लिए क्या लॉ बनाया, द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस ईएमएफ। मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू, इट्स अ वैल्यू, वैल्यू ऑफ ईएमएफ इन द सर्किट वो किसके जितनी होगी, इज इक्वल टू द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स का जो टाइम रेट होगा, बराबर, मैग्नेटिक फ्लक्स का जो टाइम रेट होगा उसके इक्वल में होगा कौन, मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ। मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल टू द टाइम रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, मतलब डी फाई बाई डी टी, बराबर। फॉर्मूला क्या होगा, एप्साइलॉन इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई, माइनस क्या दिखाता है, एप्साइलॉन इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन, वो टाइम के रिस्पेक्ट में कम हो रहा है इसलिए हमने माइनस लिखा। जब हमें नंबर ऑफ टर्न्स देंगे तो हम क्या लिखेंगे, एन, बराबर। ये हमारा लॉ हो गया, क्या बोलता है, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल टू द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, बराबर। फॉर्मूला क्या है, एप्सिलॉन इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई, इसका मीनिंग क्या होगा, हमें फाई को टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करना है, और जब नंबर ऑफ टर्न्स देंगे तब हमें क्या लिखना है, एन, ओके। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ। हमारे इस टॉपिक के अंदर दो फॉर्मूला हुए, एक ये और दूसरा ये, ओके। अभी हम स्टार्ट करते हैं इसका फर्स्ट सम, बराबर। 6.1 नहीं करना है हमें, बराबर। अभी वो थियोरिकल है, वो हम लास्ट में देखेंगे, बराबर। अभी हमें देखना है 6.2, बराबर। 6.2 है क्या, अ स्क्वायर लूप ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, बराबर। हमारा हमें दिया हुआ है एग्जाम्पल नंबर 6.2, ओके। हमें दिया हुआ है स्क्वायर लूप, यहाँ पे दिया हुआ है स्क्वायर लूप ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर एंड रेजिस्टेंस 0.5 ओम। साइड कितनी है, 10 सेंटीमीटर, मतलब कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ गिवन डेटा, ओके। यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि साइड मतलब मैं एक्स लिखता हूँ, कितनी है 10 सेंटीमीटर, रेजिस्टेंस आर है 0.5 ओम, इज प्लेस्ड वर्टिकली इन द ईस्ट वेस्ट प्लेन, बराबर, नॉर्थ साउथ ईस्ट कहाँ पे होगा, बराबर, और यहां पे क्या होगा, वेस्ट। ईस्ट वेस्ट पोजीशन में मैं वर्टिकली रखता हूं, क्या क्या बोला है, स्क्वायर लूप ऑफ साइड, बराबर, रेजिस्टेंस, यहां पे मैं एक स्क्वायर लूप ऐसे रखता हूं, दिख रहा है आपको, ऐसे,
कौन सी डायरेक्शन? ईस्ट वेस्ट। ओके, क्या बोला है? अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है 0.10 टेस्ला सेटअप अक्रॉस द प्लेन इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है बी। ओके, नॉर्थ ईस्ट ये डायरेक्शन में द मैग्नेटिक फील्ड इज डिक्रीज टू जीरो इन, यहां पे वो जा रही है जीरो तक। द टाइम दिया हुआ है मुझे 0.70 सेकेंड। डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड करंट ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल। करंट आई फाइंड करना है। ओके, ये दोनों मुझे फाइंड करना है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो क्या होगा वो, चलो एप्सिलॉन फाइंड करना है एंड दूसरा हमें फाइंड करना है ये वाला क्या बोलते हैं उसको, करंट। तो हम सबसे पहले एप्सिलॉन का फॉर्मूला क्या होगा, एप्सिलॉन इज इक्वल डी फाई बाई डी टी, मतलब डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी होगा। डेल्टा फाई मतलब क्या होगा, फाई टू माइनस फाई वन अपॉन डेल्टा टी, मतलब टी टू माइनस टी वन, हुआ इतना बराबर। चलो अभी क्या होगा, फाई टू मतलब फाइनल और फाई वन मतलब मिनिमम, तो क्या होगा, फाई टू कितना होगा और फाई वन कितना होगा, फाइनल। फाइनल तो क्या हो रहा है, यहां पे बोला है हमें मैग्नेटिक फील्ड इज डिक्रीज टू जीरो, क्या बोला है, मतलब के फाई टू इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो। लेकिन मुझे फाई वन फाइंड करना पड़ेगा, हेमरंग जी हाँ देखा, फाई वन रखना पड़ेगा। फाई वन का फॉर्मूला क्या होगा, बी ए कॉस थीटा होगा ना बराबर। बी कितना है, बी कितना दिया हो मुझे, 0.1 टेस्ला बराबर, 0.10 इंटू एरिया। एरिया मतलब 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर है साइड उसकी बराबर, स्क्वायर है तो 10 टेंजा 100 बराबर, 100 सेंटीमीटर मतलब कितना होगा मीटर, 100 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10^-2 मीटर होगा, होगा कि नहीं होगा बराबर। समझ लो कि फॉर एग्जांपल कि भाई 0.1 तो है ही बराबर, यहां पे एरिया मतलब क्या होगा, एरिया मतलब यहां पे स्क्वायर रूप बोला है साइड इन साइड, हाँ तो 10 स्क्वायर होगा ना, तो यहां पे मैं 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर लिखता हूं इनटू कॉस थीटा कितना होगा, 45। यहां पे सेंटर में है ना नॉर्थ ईस्ट में, मतलब क्या होगा, कॉस 45 डिग्री। ओके, तो डाल दिया मैंने, तो यहाँ पे क्या होगा, 10 टेंजा 100, 10 स्क्वायर 100 होगा ना, 100 × 0.1 0.10 × है तो मीटर वाच कर दे, सुना ने इसको क्या होगा, 100 सेंटीमीटर इंटू कॉस 45 कितना होगा, 1/√2 बराबर। तो यहाँ पे 0.10 × 1 मीटर होगा, 100 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर अपॉन रूट टू, तो 0.10 ÷ 1.41 आंसर आता है 0.070 बराबर, ये लोग आखू ज राखेलू बराबर। तो क्या आंसर आता है, 0.070 वेबर, ये मुझे फाइव वन मिल गया। ओके, मिल गया। अभी मैं इसको इसके अंदर डाल दूँ, फाइव टू क्या होगा, मतलब फाइव टू जीरो है बराबर, यहाँ पे फॉर्मूला क्या होगा, माइनस, तो मुझे माइनस निकालना हो तो मैं क्या कर दूंगा, फाई वन माइनस फाई टू कर दूं अपॉन टी टू माइनस टी वन, हो गया। चलो फाई वन कितना है, 0.070 माइनस जीरो अपॉन
टी टू माइनस टी वन डेल्टा टाइम कितना दिया हुआ है 0.70 डाल दिया बराबर। चलो तो अभी क्या होगा 0.070 डिवाइड बाय 0.70 0.1 बराबर 0.1 आया। ये क्या आया वोल्ट आया क्या आया एप्सिलॉन बराबर मतलब 1 मिली वोल्ट हो गया। ये हो गया आंसर आ गया। अभी ये मुझे क्या मिला एप्सिलॉन फॉर्मूला है एप्सिलॉन इज इक्वल टू आईआर कौन सा वी इज इक्वल टू आईआर ओम्स लॉ। सो यहाँ पे आई इज इक्वल टू क्या होगा एप्सिलॉन बाय आर होगा बराबर। एप्सिलॉन कितना है 0.1 और आर कितना है रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस मेरा दिया हुआ है 0.5 तो 0.5 डाल दो तो क्या होगा 0.1 डिवाइड बाय 0.5 आंसर आएगा 0.2 2 मिली एम्पियर। तो यहाँ पे कितना आया 0.2 एम्पियर। ये लोग कोई आने कन्वर्ट नहीं करो ओके तो ये हमारा आंसर आ गया कंप्लीट आएगा। तो ये इतना आपको करना है बराबर आज इतना तक कंप्लीट कर दो ओके थैंक यू।